हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को प्यार भरा पलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस, आज शाम के 4 बज चुके हैं। शाम के 4 बजे से मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ बाहर से। आज मैं इस टाइम अभी घर में हूँ। आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे क्या ही हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस, मुझे इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मॉर्निंग में सभी का रिजल्ट आया। मैं आपसे क्या ही कहूँ, CBSE बोर्ड वालों का, तो जिसमें आयुष का बिल्कुल नामो निशान कहीं पर नहीं था, जिसको देख के हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। मतलब इतना सरदर्द, इतनी डिप्रेशन में मैं चले गई थी। तो गाइज, अभी तक जो ये चुन्नी है ना मेरी, यहाँ पे सर पे ऐसी बंध रखी थी, तो अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे नीचे को कर ली है। दिन भर ऐसा ही मूड रहा, ना खाना खाया ना कुछ किया। एक तो जो भी था, चलो जो भी हो रखा था, हमने इसका एडमिशन तो नहीं कराया था, रजिस्ट्रेशन हमने दूसरे स्कूल में, अगले स्कूल में कर दिया था 11th का, क्योंकि वहाँ पे ना कोर्स चालू हो गया था। तो वहाँ पे अब क्या ही मुंह दिखाएं, क्या मुंह हम दिखाएं, क्या मुंह आईज दिखाएगा। तो इसके कारण हम बहुत सैड और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। अब क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अब जाना पड़ेगा स्कूल में, कहना पड़ेगा कि सभी के बच्चे पास हो रखे हैं, आयुष ने इस बार ऐसा क्या जो कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। रात तक तो पढ़ाई करता ही था, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है गाइस। तो गाइस, मेरा ये छोटा छोटा प्रैंक आप लोगों को कैसा लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आयुष का रिजल्ट आ गया है CBSE बोर्ड वालों का। तो आयुष अच्छे नंबरों में पास हो रखा है, फर्स्ट डिवीजन आ रखा है, 90% आयुष के मार्क्स आ रखे हैं। तो घर में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और आज शाम को थोड़ी हल्की फुल्की सी पार्टी भी हम लोग करेंगे। तो पार्टी का सामान अभी भी लेके आ गया है दुकान से। तो आज मैं यहाँ पे जितने भी कंट्री वाइज पब्लिक स्कूल के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगी, जिन्होंने हमारे बच्चों को इतने मार्क्स लाने के काबिल रखा। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगी। और आयुष जा रहा है महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में, बागेश्वर में जो पढ़ता है। तो वहाँ पे जाते जाते आज आयुष को ना, मतलब ट्रॉफी भी मिली, और वहाँ भी आयुष का अच्छे से स्वागत हुआ। जो तो गाइस, ये ट्रॉफी आयुष को आज महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से मिल रखी है। इसमें स्कूल का नाम भी पूरा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, स्कूल का नाम, आयुष का नाम, सब कुछ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। तो आयुष का भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगी, क्योंकि आयुष ने मेरे को 90% मार्क्स लाने तक, मतलब इतना तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन आयुष का अभी ये कहना है गाइस, बार बार आयुष आयुष बोला जाता है। मेरे बेटे का ये कहना है कि मम्मी, मैं जितनी, मतलब मैंने कोशिश तो इतनी कर रखी थी कि 97% तक तो मैं छलांग मारूंगा ही ऐसा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब मैं इससे आयुष से भी यही, अपने बेटे से भी यही कहना चाहती हूँ कि इस बार नहीं तो अगली बार जितनी भी हो सके मेहनत करनी चाहिए, और बच्चों को ज्यादा डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी 90% मार्क्स मेरा बेटा ला पाएगा करके। कंट्री बाई पब्लिक स्कूल कठपुड़ा चिना के सभी टीचर्सों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी यहाँ पे, और आयुष का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में, जिस स्कूल में आयुष प्रवेश करने जा रहा है, उस स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी, जिन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ पे ट्रॉफी दी और इस लायक समझा। इतने अच्छे से उन्होंने आज मॉर्निंग में उसका स्वागत किया। कोई वीडियो मॉर्निंग में ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई। कल शाम रिजल्ट आया था, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। एक तो आजकल लहसुन का काम हो रहा है, तो लहसुन ले जाने के लिए कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, फटाफट से तोल के ना उनको देना पड़ता है। और दोपहर में धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, अभी इस टाइम से मैं वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ छोटी मोटी अपनी। कहते हैं ना, यूट्यूब वालों के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर की। तो आप लोगों के आशीर्वाद से आप, और बाकी ऊपर वाला है, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट भी बनाए रखें, और सभी के बच्चे आगे बढ़ें, सभी के बच्चे कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पे पार्टी की अब छोटी मोटी सी तैयारी हो रही है। यहाँ पे कैमरामैन के पीछे ना अभी भी खड़ा है, मैं उसी को देख रही हूँ। अभी लेके आ गया है दो शॉप से सामान, थोड़ा बहुत पता नहीं, जूस वूस, मैगी हैगी, बिस्किट, नमकीन, जो भी लाया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे छोटी मोटी पार्टी भी करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं आयुष से भी मिलाती हूँ आप सभी को। ये है हमारा आयुष, जो बहुत थका हारा हुआ है। आज इसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रखी है। क्यों हुई दर्द? चल के हुई दर्द। चलना भी यहाँ से पड़ता है, वो ऊपर मेन रोड तक, मेन रोड से फिर गाड़ी पकड़नी होती है दूसरे स्कूल की तरफ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उसके पैरों में दर्द हो रखी है। तो गाइस, मैं यहाँ पे ना अपने देवर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन्होंने भी ना बचपन से आयुष की तरफ ना खूब जी जान लगा रखी है। जब भी इनको टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा आयुष के पीछे लगे पड़े रहते हैं और डांटते रहते हैं। जो चीज़ नहीं आता है तो मेरे से पूछ लिया कर, ऐसा करके बोलते रहते हैं। इन्होंने ना बचपन से आयुष को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जितना भी इनको टाइम मिलता था ना, हर बार आयुष के साथ
बैठ जाते थे और आइस को समझाते थे, डांटते थे कि कुछ भी नहीं आता है तो कहीं पे मेरे से बोला कर करके। तो आपका भी ना बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी यू। सभी कंट्री बाई पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्सों का मैं यहाँ पे ना सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी जिन्होंने आइस को मार्क्स लाने के काबिल बनाया। तो गाइस अभी हम सभी लोग यहाँ पे ना पार्टी मना रहे हैं, और पार्टी में ना अभी लेके आया था सामान, जूस, मैगी, 5-7 पैकेट मैगी और कुरकुरे फुरकुरे टॉफी वगैरह। और आज यहाँ पे खा रहा है, मस्त होके मैगी खा रहा है। आज के पापा भी बैठ गए हैं, और यहाँ पे ना आज के पापा अभी अभी आए हैं, बैठ के खा रहे हैं और अभी भी खा रहा है। अब मैं भी खाती हूँ। बस हमारी छोटी मोटी सी पार्टी यही वाली है, और बाकी बड़ी पार्टी क्या ही करते, ऐसे ही हुए मिडिल क्लास वाले, है ना। से कहा था माजा लेके आना, लेकिन इसको ना ये वाला जूस पसंद है तो ये लेके आया पेप्सी। इस पार्टी भी मना ली, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड पहला।